हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री ई केवाईसी कैसे करना है। यह हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। प्रधानमंत्री ई केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो 11वां इंस्टॉलमेंट है, अगर आपने ई केवाईसी नहीं किया है तो आप जल्द ही करवा ले। अगर किए हैं तो अच्छी बात है, पर ई केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको जो 11वां इंस्टॉलमेंट है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री पीएम किसान इस वेबसाइट पे आपको आना है। देखिए, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ई के वाई सी यहाँ पर न्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री यहाँ पे ई के वाई सी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आधार ओटीपी ई के वाई सी, इसके लिए आपको आधार नंबर जो है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये प्रोसेस करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है और उसको मोबाइल नंबर लिंक रहना भी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जो इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आधार को जो मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, अदरवाइज दूसरा यहाँ पे फिल नहीं करने का है। यहाँ पर जो आधार को रजिस्टर है वही नंबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे गेट मोबाइल ओटीपी इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट ओके हमने ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए इरर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे मोबाइल ओटीपी जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा जो पीएम किसान की तरफ से आएगा, वो हमको फिल कर देना है जो कि 4 डिजिट का रहता है। उसके बाद आपको आधार ओटीपी का आएगा, थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि लोड ज़्यादा है इसके ऊपर साइट के ऊपर, सो थोड़ा वेट कीजिए। और उसके बाद आधार ओटीपी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़े समय में ही आपको आधार कार्ड जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। उसको आप यहाँ पे फिल कर देना है आधार का ओटीपी। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे आधार का ओटीपी फिल करने के बाद हमारा ई केवाईसी सक्सेसफुली सबमिटेड इस तरह मैसेज आएगा। सो हमारा ई केवाईसी हो जाएगा। धन्यवाद।